साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन आज आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तीन कंडीशन हम देख लेंगे, इसके बाद चेक करेंगे कि मूलों की अस्तित्व है या नहीं है। तो सर्वप्रथम आइए देखें। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला जो कंडीशन है, इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि जब डी का मान यदि डी बड़ा होता है जीरो से, तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक मूल होगा। यदि बराबर या वास्तविक मूल होगा तो डी का मान हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। तो जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो डी से बड़ा आता है जीरो को मान। तो इन तीनों कंडीशनों को हमें याद रखना है, तभी हम चेक कर सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इस प्रकार से याद रखना कि वास्तविक मूल के लिए डी बड़ा होना चाहिए जीरो से, और बराबर या वास्तविक मूल के लिए डी बराबर होना चाहिए जीरो, और कोई वास्तविक मूल नहीं है इसके लिए डी से बड़ा हुआ कौन, जीरो। तो इसको याद रखना। अब एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है कि चेक करना है कि प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या भी ज्ञात भी करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात भी करना है। ये क्वेश्चन है। तो देखो, पहला समीकरण एक द्विघात समीकरण दिया गया है। समीकरण दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखते हैं क्या है इसकी तुलना। सर्वप्रथम यहां से ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर -3 आ जाएगा, और सी बराबर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे डी बराबर b² - 4ac क्या आता है। b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 × a, ए का मान क्या है 2, और सी का मान 5, 3 × 9, ए माइनस समाप्त हो जाएगा वर्ग से, 4 × 8 = 8, 5 = 40। इस प्रकार से 40 में से 9 जाएगा तो यहाँ -31 बचेगा, अर्थात जो डी का मान है वो बड़ा है किससे, -31 से, और ये -छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल ये ऋणात्मक मूल है। तो मतलब यहाँ पे डी का जो मान है वो बड़ा है -31 से। तो यहाँ पे मूल कैसे होंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्योंकि d से बड़ा है जीरो, क्योंकि इसका मान माइनस में आया है। तो इसको अभी सॉल्व भी करना है।